दोस्तों, आखिर कैसे अहिल्याबाई होलकर राजमाता से लोकमाता बनी? हमारा इतिहास ऐसी दो महान घटनाओं का साक्षी है जब पत्थर प्राणवान हो उठे थे। एक तो तब जब भगवान राम के स्पर्श से पाषाणी अहिल्या जीवित हुई, और दूसरी तब जब दासता के श्राप से अभिशप्त पाषाण हुए लोक ने दैवीय संवेदना के स्पर्श से उस पवित्र वत्सला को जन्म दिया जिसे पीढ़ियां लोकमाता अहिल्या के नाम से संबोधित करती आई है। अहिल्या माँ सब जगत के मातृत्व की प्रियार है, वे राजमाता नहीं लोकमाता है। उनका जन्म महाराष्ट्र के चौणी में वर्ष 1725 में हुआ था और निधन महेश्वर में वर्ष 1795 में हुआ था। लोकमाता अहिल्या की प्रतिष्ठा का प्रमुख कारण यह नहीं है कि उन्होंने देश भर के तीर्थों, चारों धामों, 12 ज्योतिर्लिंगों व अनेक मंदिरों में पुनर्उद्धार के कार्य किए, अन्य क्षेत्र आरंभ किए, धर्मशालाएं बनवाई, नदियों पर बांध बनवाए, वृक्षारोपण करवाया, सड़कें व बावड़ियां बनवाई और मस्जिदों तथा पीरों, दरगाहों की मदद की। बल्कि लोग उन्हें इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं को एक ऐसे उदाहरण के रूप में स्थापित किया जिसका सब कुछ था लेकिन स्वयं के लिए कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी था वह लोकहित के लिए था। उन्होंने अपनी निजता को समग्रता के लिए न्योछावर कर दिया था। उनके निजस्व की धारा समग्रता के सागर में विलीन हो गई थी और इसी कारण से वे सरिता नहीं रही, समुद्र हो गई। संसार में सरिताएं तो बहुत हैं। उनका अवदान यह तथ्य रेखांकित करता है कि एक सूत्रबद्धता क्या होती है, और साधन भले ही सीमित हो लेकिन यदि साध्य पवित्र हो तो स्वाभिमान के साथ भी अपनी स्वतंत्रता को कैसे बरकरार रखते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है। यदि उनके कर्तव्य को देखें तो पाएंगे कि उनके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष तो उनकी धार्मिक और दूसरी न्यायिक वृत्ति का। उन्होंने महेश्वर जैसे छोटे से गांव को अपनी राजधानी बनाकर वहां से पूरे 30 वर्षों तक धार्मिक और न्यायिक रीति नीति से न केवल पूरे मालवा पर शासन किया अपितु बद्री का आश्रम से रामेश्वरम और द्वारिका से भुवनेश्वर तक मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। उन्होंने जहाँ एक और गया में विशाल विष्णुपद मंदिर का निर्माण कराया, वहीं दूसरी ओर काशी में नर्मदा के शिवलिंग नर्मदेश्वर की विश्वनाथ के रूप में स्थापना की। लोकमाता अहिल्या ने सरयू, नर्मदा, गंगा और गोदावरी के तटों पर 34 घाटों का निर्माण करवाया। अयोध्या से नेमावर तक मंदिरों में पूजा की व्यवस्था कराई तथा 7 बड़े नगरों में अन्य क्षेत्र स्थापित किए। यह सूची भी केवल एक झांकी है। उनका कृत्य आदिगुरु शंकराचार्य के उस महान कृत्य का स्मरण करता है जिसका उद्देश्य भारत के 4 शीर्षों तक पवित्र धामों की स्थापना कर समूचे भारत को एक सूत्रता में आबद्ध करना था, तथा निश्चय ही उन्हें यह प्रेरणा महेश्वर के निकट स्थापित ओंकारेश्वर से मिली होगी जहाँ आदिगुरु शंकराचार्य ने गुरु दक्षिणा ली थी तथा महेश्वर आकर मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किया। उनके दरबार के सभा पंडित खुशाली राम ने देवी अहिल्या के गुणों का वर्णन करते हुए अहिल्या नामक कामधेनु ग्रंथ लिखा जो देवी अहिल्या कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध है। इन श्लोकों में उनके सर्वधम सर्वज्ञ होने तथा उनकी सर्वदयी भावनाओं के ग्रामदान व भूदान के रूप में प्रकट होने का उल्लेख है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि देवी अहिल्याबाई राजमाता से लोकमाता कैसे बनी, क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में जितने भी कार्य किए वह सब कार्य लोकहित के लिए किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन हिट करके कमेंट सेक्शन में जय मां अहिल्या देवी जरूर लिख देना।